टाइम सोशल रिव्यू के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। नाज़रीन, खताती एक बसरी फ़न है जो तहरीर से मुताल्लिक है। कुछ कैलीग्राफर जदीद खताती का इस्तेमाल करते हैं जहां हुर्फ़ तहजी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्लासिकी खताती नौ टाइप और गैर क्लासिकी एक ही तर्ज की खताती में शुमार होते हैं। इसके अलावा दुनिया में मुख्तलिफ इकसाम की कैलीग्राफी होती है जिनमें इस्लामिक कैलीग्राफी, इंग्लिश कैलीग्राफी और मुख्तलिफ इकसाम शामिल हैं। कुछ खताती शादियों और दीगर तकरीबात के दावतनामों में फॉन्ट डिज़ाइन या हाथ से लिखे लोगो वगैरह की होती है। इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन, कैलीग्राफी पत्थर पर, नक्शो नगार और याददाश्तों में इस्तेमाल होती है। रमज़ान मुबारक के इस बाबरकत महीने में जहाँ रोज़ों और खसूसी इबादत का अहतमाम किया जा रहा है, वहीं इसकी मुनासबत से आज के इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात एक ऐसी खातून से करवाएंगे जो न्यूयॉर्क की ही रिहायशी हैं और लॉन्ग आइलैंड के इलाके में रिहाइश पजीर है और एक बेहतरीन इस्लामिक कैलीग्राफर हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ शाजिया जबीन की, जो हमारे आज के इस प्रोग्राम में मेहमान हैं। उनसे इनके काम के हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बेहतरीन तालीम और तरबियत दुनिया और आखरत संवारने की जमानत। पीस चिल्ड्रन एकेडमी दीनी और दुनियावी तालीम के साथ जदीद उलूम और गैर निसाबी सरगर्मियों की मुनफरिद दर्सगाह। काबिल असातिज़ा की ज़ेर निगरानी बेहतरीन निसाब और स्टेट ऑफ द आर्ट तर्ज तदरीस। अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी तालीम एक साथ दिलवाएं। आज ही पीस चिल्ड्रन एकेडमी में दाखिल करवाएं। 101 न्यूकर्क एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230, phone 718-975-0422। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे और मारूफ इस्लामिक कैलीग्राफर शाजिया जबीन आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। बहुत शुक्रिया शाजिया, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले ये बताइए कि इस्लामिक कैलीग्राफी से आप कितने अरसे से वाबस्ता हैं और क्या आपने शौक़ या ये काम शुरू किया या बाय प्रोफेशन इसे कर रही हैं? अस्सलामु अलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया समीन आपका कि आपने मुझे प्रोग्राम में इन्वाइट किया। और ये काम एक्चुअली मैंने तो रियली कैलीग्राफी का शौक किया ही स्टार्ट किया था जब पाकिस्तान में थी, बिल्कुल टीनेज का टाइम था वो। तो फिर लेकिन लोगों को उस वक्त भी बहुत पसंद आया था और कुछ लोगों ने मुझसे उस वक्त भी बनवाई थी पेंटिंग्स, बहुत सारी लोगों ने गिफ्ट्स ली थी। तो ये था कि फिर कुछ लोगों ने मुझे बहुत इनक्रेज किया, उन्होंने कहा हम आपके जो है वो मैरियट में एग्जीबिशन भी करते हैं, बट आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ एज एन आर्टिस्ट, आई स्टिल नॉट कंसिडर मी एज एन आर्टिस्ट। सो मैं बिल्कुल अभी भी स्टूडेंट हूँ और मुझे पता है मैं बहुत सारी मिस्टेक्स करती हूँ, बट अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोगों को करम है, अल्लाह का कि पसंद आती है मेरी पेंटिंग्स। आई एम रियली हैप्पी विद दैट, अल्लाह का बहुत एहसान है। तो फिर जब यहाँ आई तो अमेरिका, तो आके बस बच्चों और घर में बहुत बिजी हो गए और कभी ध्यान भी नहीं दिया कि दोबारा से इसको स्टार्ट करना है। बट फिर हम यहाँ पर जब इस वाले घर में अपने मूव हुए तो देन आई वॉन्ट टू डू समथिंग इस्लामिक आर्ट फॉर माई हाउस, एंड मैंने बहुत जगह सर्च किया और मुझे कहीं भी कोई पसंद की चीज़ नहीं मिली। So I decided to do it again for my home. But when I did it, it's again people liked it a lot. Thank God, Allah का बहुत एहसान है। और फिर जो है वो उन्होंने कहा लोगों ने कि नहीं हम आपकी एग्जीबिशन करेंगे यहाँ पर, एंड फिर it started going on and on and on. और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह काफ़ी दूसरी स्टेट से भी लोग इन्वाइट करते हैं एग्जीबिशन के लिए और
मगर आजकल ज़रा कोरोना का मसला चल रहा है तो इस वजह से इतना ज़्यादा हो नहीं रहा है काम, लेकिन ये कि एग्जीबिशंस वगैरह मतलब नहीं हो रही हैं, प्रोग्राम्स कम हो गए हैं काफ़ी, पर अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों को पता है वो सब लोग बहुत इनवाइट करते हैं और बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, अल्लाह का बहुत एहसान है। कैलीग्राफी एक्चुअली स्टार्ट हुई है बेसिकली अगर आप देखें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो टाइम था उसके बाद सहाबा इकराम और दूसरे सारे लोगों ने इस्लाम से और कुरान से मोहब्बत इतनी ज़्यादा लोगों की थी तो उन्होंने इसको जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा लाइक बेस्ट वे में कुरान को एक्सप्रेस करने की कोशिश की। वैसे भी कैलीग्राफी जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा फाइन आर्ट की सबसे बेस्ट फॉर्म है एंड जिसके अंदर भी जिस इंसान के अंदर भी आई थिंक ब्यूटी सेंस होगी वो कैलीग्राफी को डेफिनेटली लाइक करता होगा। और फिर ये हुआ कि जब इस्लामिक कैलीग्राफी ज़्यादा पॉपुलर होती गई पूरे वर्ल्ड में और फिर जैसे कि आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन लाइक 14th to 17th century तक जो है वो फिर दूसरा इस्लामिक आर्ट का जो है वो शुरू हो गया, जैसे आप मसाजिद में या बर्तनों में या वॉल्स पे आप देखते हैं कि इस्लामिक आर्ट, फिर वो वाला इस्लामिक आर्ट भी बहुत फेमस हुआ। बट इस्लामिक कैलीग्राफी इज़ स्टिल, हालांकि आजकल बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग्स है, कंप्यूटर के थ्रू लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो हैंड वर्क है पीपल स्टिल लाइक इट अ लॉट और उसको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। इवन जब मैंने यहाँ पर ये काम स्टार्ट किया तो बहुत सारे आर्टिस्ट ने मुझे कहा कि भाई ये तो कोई आपको हमारी कम्युनिटी इनक्रेज नहीं करेगी और कोई इतना ज़्यादा नहीं इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आप कुछ और करें, खाली एब्स्ट्रैक्ट करें या जो भी और करना है, मगर दिस नॉट गना बी लाइक सक्सेसफुल इफ़ यू थिंक इट विल बी। तो प्रॉब्लम आई डोंट नो क्या है, मैं इस काम से आगे निकल नहीं पा रही हूँ, मुझे मेरा दिल ही नहीं चाहता है कुछ और करने का एंड दैट इज़ रियली ट्रू बिकॉज मैंने ट्राई भी किया, क्योंकि ऑफ कोर्स इससे पहले मैं एब्स्ट्रैक्ट करती हूँ और फिर उसके ऊपर ज़ाहिर राइटिंग करती हूँ, लेकिन मुझसे और कुछ हो नहीं रहा है। अब इसमें अल्लाह ताला की क्या हिकमत है, मेरे लिए क्या एजाज़ है, और मुझे तो बहुत अप्रिसिएशन मिला है तो आई एम हैप्पी विद दैट। शाज़िया, कैलीग्राफी के लिए आप कौन कौन से मटेरियल्स इस्तेमाल करती हैं? मैं एक्चुअली आई यूज़ ऑल द मीडियम्स, और जैसे कि आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ हो रही हैं, टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं डिफरेंट पेंटिंग्स में और फाइन आर्ट के बहुत सारे कैटेगरीज में, तो आई ऑल्सो यूज़ लाइक मैं सारे मटेरियल्स ही ऑलमोस्ट यूज़ करती हूँ, जैसे कि लेदर, कैनवस, पेपर एंड ग्लास, मिरर, वुड, मार्बल, तो उन सब पे वर्क माशाल्लाह मैं कर लेती हूँ। अच्छा शाज़िया, ये बताइए कि आपके ख्याल में किस मीडियम में ज़्यादा अच्छा काम आप कर लेती हैं, या आपको क्या लगता है कि आपका काम ज़्यादा बेहतर किस मीडियम में नुमाया होता है? देखिए, कैनवस पे तो ज़ाहिर है हर आर्टिस्ट का स्टार्ट ही वहाँ से होता है, कैनवस से, तो ऑफ कोर्स कैनवस इज़ द बेस्ट मीडियम आई थिंक फॉर एवरीवन, बट कुछ लोगों की स्पेशलिटी कुछ चीज़ों में ज़्यादा होती है, तो मुझे एज सच कोई बहुत हार्ड वर्क नहीं हुआ। मैंने अभी मार्बल पे तो रिसेंटली स्टार्ट किया था, उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा लाइक उसको देखना पड़ा, ट्राइज करनी पड़ी कि वो कैसे सारा रहेगा, तो लेकिन बट आई डिड इट अल्हम्दुलिल्लाह। और जब मैंने स्टार्ट किया था अर्ली बिल्कुल अपने टाइम में, उस वक्त मैंने मिरर पे ज़्यादा स्टार्ट किया था, मिरर पेंटिंग, तो वो भी सही हुआ, फिर मैंने फिर कैनवस पे शुरू कर दिया तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। शाज़िया, आज तक आपने कितनी एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट किया है और कितने ऐसे इवेंट्स हैं कि जहां आपको मौका मिला हो अपने फ़न का मुजाहरा करने का? एक्चुअली अभी मैंने ये यहाँ पर जो काम स्टार्ट किया ना, जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे बच्चे छोटे थे तो मैं उन पर ही ज़्यादा फोकस कर रही थी, तो अभी यहाँ पर कोई 2.5-3 ईयर पहले ही मैंने स्टार्ट किया था कैलीग्राफी का काम, एंड आई डिड वन ऑफ द एग्जिबिशंस, और फिर मैं मुझे इकना में बहुत ज़्यादा इनवाइट किया गया तो फिर वहाँ मैं गई, वहाँ मुझे बहुत बहुत अप्रिसिएशन मिली, और भी वहाँ पे आर्टिस्ट आए हुए थे, दे लव माई वर्क अल्हम्दुलिल्लाह,
फिर यहाँ पर ये होता है कि कम्युनिटी प्रोग्राम्स होते हैं, कुछ लाइक फंड रेजिंग्स होते हैं प्रोग्राम्स, तो पीपल उसमें इनवाइट करते हैं और मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स में, शोज़ में या इस तरह के लोग सब माशाल्लाह इनवाइट करते रहते हैं, तो वो उसमें भी जाहिर है कि थोड़ा सा एक्सपोजर होता है, लोग मिलते हैं। अभी तो कोरोना का सिलसिला हो गया, वरना वर्जीनिया, ओहायो, फ्लोरिडा, वॉशिंगटन वगैरह से काफ़ी मुझे कॉल्स और ईमेल्स आई हैं कि आप आएँ और हमारे साथ जो है ना ये एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करें। वन वाज आई थिंक फ्रॉम नॉर्थ कैरोलिना, बट आई कुडंट गो बिकॉज ऑफ द कोरोना सिचुएशन। तो फिलहाल तो यहीं पर हैं और बस न्यूयॉर्क में ही कुछ जो प्रोग्राम्स वगैरह होते रहते हैं उनमें पार्टिसिपेट कर लेती हूँ। यहाँ एक ब्रेक लेंगे शाजिया, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मजीद सवालात हैं जिनके जवाब आपसे जानना चाहेंगे। एक मुख्तसर से वक्फे के बाद हमारे साथ रहिए। गाड़ी खराब हो गई है तो हरगिज परेशान ना हो, यहाँ वहाँ कहीं ना जाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर पर तशरीफ लाएं और अपनी गाड़ी की मुकम्मल इंस्पेक्शन करवाएं। इंजन में खराबी हो या हो सस्पेंशन का मसला, व्हील बैलेंसिंग करानी हो या फिर अलाइनमेंट, हर काम मयारी और मुकम्मल तसल्ली के साथ करवाएं। साबू ऑटोमोटिव रिपेयर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी की न्यूयॉर्क स्टेट इंस्पेक्शन भी करवाएं। 1259 मैकडोनल्ड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 718-377-2323। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सोशल रिव्यू में एक बार फिर आपको खुश आमदेद कहेंगे। मारूफ इस्लामिक कैलीग्राफर शाजिया जबी हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, गुफ्तगू का सिलसिला इनसे जारी है। शाजिया, ये बताइए कि मुख्तलिफ अकसाम की कैलीग्राफी होती है, जैसे इंग्लिश कैलीग्राफी है, इस्लामिक कैलीग्राफी है और दीगर मुख्तलिफ नौयत की कैलीग्राफीज़ हैं, लेकिन आपने इस्लामिक कैलीग्राफर को ही क्यों चूज़ किया, क्यों आप इस्लामिक कैलीग्राफर बनी, इसका क्या रीज़न है? भाई ऑफ कोर्स मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन मैंने इंग्लिश कैलीग्राफी भी थोड़ी बहुत करती हूँ, मगर अब ज़्यादा मेरी अटेंशन जो है ना वो इस्लामिक कैलीग्राफी की तरफ ही है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले बताया तो कि लोग मुझे कह रहे हैं कि और भी कुछ करें और, मगर मेरा माइंड नहीं जा रहा किसी तरफ भी, तो इसमें डेफिनेटली अल्लाह की कोई हिकमत है। और सबसे बड़ी बात, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन हो जाता है शायद जब आप इस्लामिक कैलीग्राफी करते हैं, तो मेरा तो अपने मेरे ख्याल में यही है कि एक जो आपका अल्लाह के साथ जो कनेक्शन होता है कैलीग्राफी स्पेशली करते हुए, वो तो मेरे ख्याल में आई थिंक सभी पेंटिंग्स करते हुए लोगों का होता होगा, लेकिन जो एक बिकॉज कुरान इज़ लाइक अ गिफ्ट फॉर अस, तो और एक ना सिर्फ ये गिफ्ट है बल्कि ये एक बाद में हमारे कल्चर, हिस्ट्री सबका हिस्सा बन गया, और जो कुरान जो है ना वो हमें एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बुक मिली है अल्लाह ताला की तरफ से, जिसका हम जितना भी शुक्र अदा करें वो कम है। तो इस बुक में जो हमें लोगों को, हम सबको बताया गया है कि लोगों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने इतने ब्यूटीफुली इतने क्लासिक तरीके से अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि किस तरह लोगों के साथ आपका बिहेवियर होना चाहिए, तो वो जो है मेरे ख्याल में अगर हम उसके उस इतने खूबसूरत किताब को के वर्सेस को हम ब्यूटीफुली प्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी मोर आई कैचिंग और मोर अट्रैक्टिव फॉर अदर पीपल टू। यही वजह है कि जब आजकल इसमें कलर्स ऐड हो गए हैं इस कैलीग्राफी में जो पहले टाइम में नहीं हुआ करते थे, तो अब आजकल की जनरेशन इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है, क्योंकि वो फिर जाहिर है लोग अकॉर्डिंग टू कलर स्कीम और
अपने होम डेकोर डिज़ाइन के हिसाब से भी जाते हैं, तो जब उसमें ये सारी चीज़ें होंगी तो मेरे ख्याल में तो एक बहुत ब्यूटीफुल थिंग क्रिएट हो जाती है। शाजिया, आपके ज़्यादातर क्लाइंट न्यूयॉर्क से हैं या न्यूयॉर्क से बाहर के? और अगर न्यूयॉर्क से आपके क्लाइंट्स हैं तो किन किन इलाकों से आपको बिज़नेस के लिए कॉल्स आती हैं? अब देखें, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एकना के लिए बाहर गई तो वहाँ पे तो पूरे अमेरिका से ही लोग आए हुए थे, तो उन्होंने जिन्होंने भी लिया उनमें से बहुत सारे लोग मुख्तलिफ स्टेट्स के थे, तो डेफिनेटली आई थिंक दैट्स वाई मुझे अलग डिफरेंट स्टेट से कॉल्स भी आती हैं, तो उन सब के पास तो गई चीज़ें। दोबारा वो बिकॉज ऑफ करोना है, वो सिचुएशन हो ही नहीं सकी जो हम इसको आगे भी लेके चलते। और लेकिन यहाँ न्यूयॉर्क में अल्हम्दुलिल्लाह, लॉन्ग आइलैंड में तो बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स हैं मेरे, इसके अलावा क्वींस और ब्रुकलिन में भी हैं। और यह है कि मैं, क्योंकि लोगों की आई गो टू देयर हाउसेस एंड सी देयर होम डेकोर और डिज़ाइन बिकॉज आई ऑल्सो डू दैट, सो उनकी जो कलर स्कीम होती है बहुत सारे लोग उसके अकॉर्डिंग भी करवाना चाहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू देयर कलर स्कीम आई मेड द पेंटिंग विद दैट कलर्स विच लुक गुड ऑन देयर हाउसेस एंड मेक मोर ब्यूटिफुल होम टू देयर हाउसेस। शाजी, अपने काम के बारे में थोड़ा सा बताइए, जो पिक्चर्स और वीडियोस आपने अपने काम की हमें भेजी हैं इस बारे में थोड़ा सा हमारे देखने वालों को समझाइए। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मटेरियल कोशिश करती हूँ कि बहुत ही गुड क्वालिटी का यूज़ हो, ताकि कस्टमर को किसी भी चीज़ की ज़रूरत जो है वो उसमें उसको कोई मतलब उसको दे विल लाइक इट। तो इसलिए मैं फ्रेमिंग हो या कैनवस हो या आई ऑल्सो यूज आई फॉरगॉट टू टेल यू दैट मैं वो गोल्ड लीफ और सिल्वर लीफ भी यूज़ करती हूँ अपनी पेंटिंग्स में, विच इज़ वेरी ट्रेंडी दीज डेज। इसके अलावा जो फ्रेम होते हैं, लाइक वो अगर वुड है तो मोस्टली वो ओक या दूसरा अच्छी क्वालिटी की वुड होगी, और जो फ्रेम्स आजकल आपको मार्केट्स में अवेलेबल हैं जो ट्रेंडी हैं, आपको वही फ्रेम्स वही चीज़ें नज़र आएंगी, टेक्निक्स भी वही नज़र आएंगी जो आजकल इन हैं। और कुछ पेंटिंग्स ऐसी हैं यानी जो बहुत ही आपको लगेगा, जिसमें मैं कुछ मोस्टली पेंटिंग, तो आप ये समझ लें कि जो कस्टमर की चॉइस होती है आई हैव टू गो विद दैट टू समटाइम, तो क्योंकि उनकी कलर स्कीम जो है वो ये रिक्वायरमेंट होती है वो उसकी। सेकंड, कुछ पेंटिंग्स हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग विच आई लाइक द लॉट, मगर ये होता है कि जो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं मोस्ट अ लॉट ऑफ टाइम कस्टमर को वो समझ में नहीं आ रही होती हैं, तो और वो बहुत ही ब्राइटनेस और जो फुल ऑफ कलर पेंटिंग्स होती हैं उनको पसंद कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक पेंटिंग आपको पिक्चर भेजी थी जो ऑरेंज से कलर की कुल के हिसाब से पिक्चर है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे कुल जो है, चारों कुल जो हैं वो हमारी लाइफ में इतने ज़्यादा एक हमारे जैसे रूह के अंदर हैं, और सम टाइम जब कभी कभी कोई इंसान बहुत डिप्रेस होता है या हम प्रॉब्लम में होते हैं तो वो हम जैसे हमें कहा जाता है कि भाई कोई भी रात को आप चारों कुल पढ़ के सोएं या कोई मुश्किल हो तो आप कुल पढ़ें, और तो वो कुल जो है वो एक एक जब एक स्प्लैश कलर की तरह वो मैंने उसमें पेंटिंग में दिखाया कि निकल रहे हैं, और उस पे उसके बाद उसके सारी जो स्प्लैशिंग हो रही है कुल की, वो उस कलर्स में आपको डिफरेंट उसके इंग्लिश में वर्सेस लिखे हैं मैंने, बिकॉज़ अ लॉट ऑफ टाइम लोगों को थोड़ा सा, यहाँ पे जो बच्चे ग्रोन अप हुए हैं उनको वो चाहते हैं कि उनको जो है ना वो इंग्लिश राइटिंग भी मिले, तो वो मैंने इस वजह से उसमें इंग्लिश में उसमें इट्स नॉट द होल कुल, कोई भी चारों कुल में से कोई भी फुल नहीं है उस वाली पेंटिंग में, लेकिन इसमें आपको थोड़ा लाइक एक स्प्लैश दिखाया जो हमारी लाइफ में एक कुल का स्प्लैश है हमारे रूह के अंदर जो मौजूद है, तो वो आई ट्राई टू शो। इसी तरह एक और पेंटिंग आई थिंक मैंने आपको सेंड की है जिसमें बिल्डिंग्स आपको नज़र आ रही हैं, तो उसमें भी यही बात मैंने दिखाने की कोशिश की है कि जैसे आजकल हम लोग जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं इन टॉल बिल्डिंग्स में, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज में,
और तो उसमें यही है कि अल्लाह ताला जब हम लॉस्ट होते हैं कहीं भी किसी भी चीज़ में तो अल्लाह ताला जो है वो वही हैं जो हमें उसमें से निकालने वाले हैं और सेव करने वाले हैं और गाइड करने वाले हैं। तो इस तरह की भी काफ़ी सारी पेंटिंग्स बनाई। इसी तरह एक मेरी आप शायद मेरे इंस्टाग्राम में देखेंगे कि एक अल हय्युल कय्यूम की जो पेंटिंग है उसको मैंने शो किया है। जैसे वो एक आसमान और ज़मीन के बीच की जगह है जहाँ पे लाइक अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। तो वो है और इस तरह काफ़ी पेंटिंग्स आपको इस तरह की नज़र आएंगी या जो जहाँ भी इवन कलर स्कीम्स में जब आप वो वर्डिंग पढ़ेंगे जैसे एक है हय्याल फला तो उसमें आपको कलर स्कीम में ही जैसे उसमें दिखाया जैसे एक ओशन वेव आपको जो है ना वो नज़र आएगी तो इस उसके मीनिंग से जो बहुत रिप्रेजेंट करेगी उसको पेंटिंग को। शाजिया इस वक्त हमारे नाज़रीन आपको वॉइस ऑफ साउथ एशिया की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इनमें से अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे तो वो किस तरह आपसे राब्ता कर सकता है और मज़ीद आपका काम देखना या इसके बारे में जानना चाहे तो उनके लिए क्या पैगाम देंगी कि वो सोशल मीडिया के ज़रिए कहाँ और कैसे आपको फॉलो कर सकते हैं? आई एम ग्लैड यू आस्क मी दिस क्वेश्चन क्योंकि इस वक्त आप मुझे वैसे तो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मेरा पेज है शाजियाज आर्टवर्क के नाम से और मेरा आप यू कैन कॉन्टेक्ट मी इवन ऑन थ्रू माई ईमेल, इट्स शाजिया अजहर 2008@hotmail.com और मेरा डायरेक्ट यू कैन कॉल मी डायरेक्ट, माई नंबर इज़ 516-850-8192। आई विल रिपीट, इट्स 516-850-8192। एक्चुअली मेरा गोल जो है इस सारे काम को दोबारा से स्टार्ट करने का वो ये है कि मैं चाहती हूँ कि यहाँ पे रहने वाले क्योंकि मुझे उस वक्त यही एक्सपीरियंस हुआ था, हम चाहते हैं कि हमारे घर में कोई कुरान की कोई हदीस की कोई कुछ भी इवन माशाल्लाह कोई भी ऐसी चीज़ अल्लाह की आयत लिखी हो जिससे घर में ब्लेसिंग तो हो लेकिन वो एक खूबसूरत आर्ट पीस भी हो जो उनका बिल्कुल फेवरेट हो जो इजीली यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो वो मैं चाहती हूँ कि हर घर में यहाँ पर मौजूद हो। सो इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क अबाउट द प्राइसिंग, इट हैज़ अ डिफरेंट रेंज ऑफ प्राइसिंग, इट डिपेंड्स ऑन द कॉन्टेंट वॉट यू वॉन्ट, हाउ बिग और स्मॉल पेंटिंग यू वॉन्ट, द मटेरियल, द फ्रेमिंग, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द थिंग बट इट्स नॉट अ लॉट बिकॉज मैं इट्स वैन यू सी द कम आउट आई एम 100% श्योर यू विल बी डेफिनेटली वेरी वेरी हैप्पी। सॉरी तो क्योंकि अभी तक मेरे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कस्टमर हैं और उन सबको बहुत पसंद आई है, कम्युनिटी में माशाल्लाह बहुत लोग जानते हैं मुझे और अल्लाह का बहुत एहसान है कि सब बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उनको मेरा वर्क बहुत पसंद है। तो इसमें सिर्फ पेंटिंग नहीं है, इट कुड बी वॉल आर्ट ऑल एज वेल विच इज़ लाइक पेंटिंग बट इट विल बी लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्ट वर्क भी हो सकता है वो। तो वो ये भी है और फिर आप इसकी जो मेरी जो फ्रेमिंग है जो वो जैसे कि मैंने पहले बताया कि वो सब कुछ मैं यहीं से लेती हूँ तो आपको क्वालिटी का तो कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा बिकॉज इट्स ऑल फ्रॉम वेरी गुड स्टोर्स वेयर आई बाय एंड आई जस्ट वॉन्ट के जैसे जब मैंने काम स्टार्ट किया यहाँ पर तो लोगों ने मुझे कहा कि ये आप बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें भी यूज़ कर लेती हैं और आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें बनाएं और चर्चेस में ले जाएं और वहाँ करें एंड आई एम लाइक नहीं ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपको कोई चीज़ देनी है तो जो आप अपने लिए पसंद करते हैं वही आप दूसरों के लिए भी दें। और मैंने बहुत सारी दफ़ा ऐसा किया कि मस्जिदों में भी जो है वो एज अ डोनेशन पेंटिंग्स वहाँ पे दी हैं अपनी एंड आई स्टिल वांट टू कंटिन्यू दैट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड के अगर कोई जो हमारे इस्लामिक स्कूल हैं इफ़ दे वांट मी टू ऐड माय एफर्ट्स इन देयर फंड रेजिंग आई वुड लव टू डू दैट
माई नंबर आई ऑलरेडी गेव यू, एंड एक दो ने मुझे कॉन्टेक्ट भी किया था, मगर वही बात है कि अभी करोना की सिचुएशन की वजह से थोड़ा सा कुछ हमारे यहाँ ज़रा आउटकम सही नहीं हो रहा है, प्रोग्राम्स वगैरह ज़्यादा सही नहीं हो पा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशाज़ जबी इस्लामिक कैलीग्राफर हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थी और हम बातचीत कर रहे थे कैलीग्राफी के हवाले से। मुख्तलिफ अकसाम की कैलीग्राफीज़ को हमने डिस्कस किया, लेकिन शाज़िया की जो एक्सपर्टीज़ हैं वो इस्लामिक कैलीग्राफी में हैं और उसी हवाले से उन्होंने बताया कि जो उनका काम है वो किस हद तक पसंद किया जाता है, सराहा जा रहा है और मज़ीद उसको पज़ीराई मिल रही है इसको मज़ीद आगे ग्रो करने के लिए, कंटिन्यू रखने के लिए। आज के इस प्रोग्राम के लिए फ़िलहाल इतना ही, अगले हफ्ते एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। प्रोग्राम टीम के साथ समीर नवाज़ को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने कृपा।